Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 28 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, नीति आयोग ने साझेदारी की है विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पेटिटिवनेस और उन्होंने EPI 2020 रिलीज किया है। इनमें से ओवरऑल रैंकिंग्स में प्रथम नंबर किस राज्य ने हासिल किया है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी गुजरात। गुजरात ने टॉप किया है इन ओवरऑल रैंकिंग्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020। तो चलिए ये तो हो गई स्टेट्स की बात, अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो यूनियन टेरिटरीज में ओवरऑल रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है दिल्ली, दूसरे नंबर पर है गोवा और तीसरे नंबर पर है चंडीगढ़। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि नीति आयोग ने हाल ही में साझेदारी की है विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पेटिटिवनेस और उन्होंने रिलीज़ किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 और इसमें ओवरऑल रैंकिंग्स में पहले नंबर पर है गुजरात। इसके अलावा कोस्टल स्टेट की कैटेगरी में भी गुजरात टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है। ये पहली ऐसी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जो कि एग्जामिन करेंगी कि जो भारत के अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो एक्सपोर्ट को लेके कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड है और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें जज किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये किन पिलर्स पर जज किया जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है EPI का, ये चार इनके मुख्य पिलर्स हैं और 11 सब पिलर्स हैं। तो टोटल 15 पैरामीटर्स के ऊपर ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को जज करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं ये क्या क्या है। तो पहली है जो एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है हमारी, दूसरा है कि बिजनेस इकोसिस्टम क्या है, तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो ये चार मुख्य पिलर्स हैं जिनके ऊपर जज किया जाएगा और जो 11 छोटे छोटे पिलर्स हैं यानी कि सब पिलर्स हैं वो हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी क्या है उस राज्य की, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, तीसरा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पाँचवा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, छठा एक्सेस टू फाइनेंस, सातवा एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आठवां ट्रेड सपोर्ट, नौवां R&D इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड 11वां ग्रोथ ओरिएंटेशन। तो ये 15 पैरामीटर्स के ऊपर अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग दी गई है और इसमें टॉप किया है गुजरात और यूनियन टेरिटरी में टॉप किया है दिल्ली ने। तो चलिए, और इसके अलावा जब वो ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने ये भी देखा था कि तीन मेजर ड्रॉबैक्स कुछ राज्यों ने बताया था जिन्होंने एवरेज परफॉर्म किया कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहली उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि R&D इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है उनके राज्य का, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है जिसके कारण नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं ला पा रहे और वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। दूसरा प्रॉब्लम था ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर कि इंटर और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट में इशूज़ थे उन्हें, और तीसरा उनका जो सबसे मेन प्रॉब्लम था कि उनके राज्य से उन्हें ट्रेड सपोर्ट नहीं मिलता और जिसके कारण उन्हें कुछ ग्रोथ ओरिएंटेशन नहीं दिखती है। तो ये तीन मेजर ड्रॉबैक्स थे इस रिपोर्ट में जो शामिल किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। इसके हेडक्वार्टर्स हैं नई दिल्ली में। इनके चेयरपर्सन यानी कि मुख्य है नरेंद्र मोदी और इनके वाइस चेयरमैन का नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने NCC की ट्रेनिंग के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी DGNCC ऐप लॉन्च किया गया है बाय आवर डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप, जिसका मतलब है डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन कॉर्प्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 के कारण सब जगह की ट्रेनिंग्स वगैरह बंद है और इसी के कारण जो NCC के लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है बिकॉज वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर पा रहे,
बिकॉज ये मोस्टली फिजिकल टच वाली ट्रेनिंग है और इसी के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है DGNCC, जिसका मकसद यही है कि जो हमारे NCC के कैडेट्स हैं उन्हें सारी ट्रेनिंग मटेरियल्स इस ऐप के माध्यम से मिल जाएं। इसमें उनका सिलेबस भी मेंशन होगा और इसमें उनके ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह भी रहेंगी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर एक क्वेरी का ऑप्शन है, यानी कोई भी NCC का कैडेट है, उन्हें कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो वहाँ पर वो उस प्लेटफॉर्म पर अपने क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं और एक एक्सपर्ट पैनल है वो उनकी क्वेरीज को वहाँ पर आंसर करेगा। तो इनके कुछ डाउट्स वगैरह भी हैं वो भी डिजिटल माध्यम से सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी सेक्शन है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस विश्वविद्यालय के साथ हाल ही में इसरो ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत वो एक इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हाल ही में इसरो ने एक MOU साइन किया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि VSSUT ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करेंगे एट दी VSSIC यानी कि VSSUT स्पेस इनोवेशन सेंटर, जिसके तहत स्पेस रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा और इसके लिए इसरो VSSUT को 50 लाख रुपए देगी। इसमें इसरो और VSSUT मिलकर कोलैबोरेट करेंगे और हाई एंड सिमुलेशन टूल्स को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा मिनिएचर टेस्ट फैसिलिटीज जैसे कि स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी और सॉलिड प्रोपल्शन रिसर्च लैब एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज फॉर द स्केल्ड डाउन मॉडल, ये सब भी डेवलप किए जाएंगे ताकि जो हमारा स्पेस रिसर्च का जो सेगमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, उसे और ज़्यादा प्रमोट और डेवलप किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो के चेयरमैन का नाम है के सिवन। इसरो के हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका में। VSSUT के वाइस चांसलर का नाम है अटल चौधरी और इनके हेडक्वार्टर्स है संबलपुर उड़ीसा में। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में सबसे बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब यानी कि जार बॉम्ब के ब्लास्ट का एक डीक्लासिफाइड वीडियो रिलीज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, रशिया। रशिया ने एक 40 मिनट का वीडियो रिलीज किया है ऑफ जार बॉम्ब ब्लास्ट। तो चलिए बात करते हैं, दुनिया में जो सबसे पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट हुआ था वो टेस्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन द ईयर 1954 और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जवाब देने के लिए रशिया ने एक सिमिलर हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था ऑन 30th October 1961 यानी कि 7 वर्ष बाद। और ऐसा माना जाता है कि ये रशिया ने जो हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था वो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब है। इसके अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ 6 से 7 कंट्रीज हैं जिनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है और जिन्होंने टेस्ट किया है। तो पहला है USA, दूसरा है रशिया, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है फ्रांस, पाँचवा है चीन, छठा है भारत और 7वां है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की जो क्लेम्स है ये अभी भी डिस्प्यूटेड है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट का कहना है कि वर्ष 2016 में उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि रशिया ने एक 40 मिनट का वीडियो रिलीज किया है जार बॉम्ब के डेटोनेट होने का, जो कि अब तक दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिराए गए थे बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, उससे 3,333 टाइम्स ज़्यादा घातक है ये हाइड्रोजन बॉम्ब। ये आप एक न्यूक्लियर वेपन भी कह सकते हैं और इसे पहली बार टेस्ट किया गया था ओवर नोवाया
जिमलेया जो कि एक आर्किपेलागो जो है इन द आर्टिक ओशन। चलिए बात करते हैं रशिया के बारे में। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। रशिया के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुटिन और रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल, इनमें से किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट हमारी भारतीय युवा पीढ़ी के लिए लॉन्च किया है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हमारी भारतीय युवा पीढ़ी के लिए लॉन्च किया है लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसका सबसे यूनिक फीचर इस अकाउंट का ये है कि इसमें जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो है 25,000 रुपये, लेकिन जो भी हमारी इंडियन यूथ इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर सकती उनके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि वो इतनी ही धनराशि यानी कि 25,000 रुपये एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से स्पेंड करे उस महीने में। तो उनके पास ऑप्शन है या तो वो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट मेंटेन रखे या फिर डेबिट कार्ड से उतनी ही धनराशि स्पेंड करे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि एक्सिस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट हमारी युवा पीढ़ी के लिए, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है और हमारा जो ये चेंजिंग लाइफस्टाइल नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा वो हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें मैक्सिमम आप 20,000 रुपये प्रति ईयर तक हॉस्पिटल कैश कवर ले सकते हैं। और ये पहला ऐसा बैंक है जो इस टाइप का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू COVID-19। और इनका मेन टारगेट यही है कि जो 35 साल से कम की जो युवा पीढ़ी है उनकी लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए उन्हें टारगेट करने का। तो चलिए बात करते हैं अब एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर्स है इन मुंबई महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक के MD और CEO का नाम है अमिताभ चौधरी और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है भर्ती का नाम जिंदगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस बैंक ने लॉन्च किया है वन स्टॉप सॉल्यूशन टू बिजनेसेस जिसका नाम है ओमनी कलेक्ट? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए HSBC इंडिया। HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है ओमनी कलेक्ट। चलिए इसके अलावा हाल ही में HSBC इंडिया न्यूज में था बिकॉज उन्होंने एक ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए। तो जो भी उनके कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं जिनके पास भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिससे हमारा जो ये प्लानेट है वो ज़्यादा ग्रीन हो सके, ज़्यादा क्लीन हो सके, उनकी फंडिंग की जाएगी। ये टर्म डिपॉजिट के हिसाब से है और इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फिक्स्ड होगा, यानी कि प्रिंसिपल फिक्स्ड होगा और इसका जो रिटर्न है वो नॉर्मल टर्म डिपॉजिट से ज्यादा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है ओमनी कनेक्ट जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है भारत में। इसके अलावा जो बिजनेसेस है जो अलग अलग या फिर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस को भी सपोर्ट किया जाएगा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेसेस के पास अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस हैं बिकॉज जो आजकल के कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, उनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। तो HSBC इंडिया ओमनी कलेक्ट लॉन्च के माध्यम से उन सभी चीज़ों को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर बिजनेसेस को ऑफर करेगा। इससे बिजनेसेस को ये फ़ायदा होगा कि उनके जो सारे पेमेंट्स हैं वो ईजिली कनेक्ट किए जाएंगे डिजिटल माध्यम से भी और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। और इससे जो भी चेंजेस आते हैं आज कमिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग में या फिर डिजिटल वर्ल्ड में वो भी इजीली अडॉप्ट किया जाएगा बाय दी बिजनेसेस। इसके अलावा ऐसा मानना है कि HSBC इंडिया में ये पोटेंशियल है कि वो इन स्टोर और ऑनलाइन परचेसेस जो कि अलग अलग मल्टीपल प्रोवाइडर्स के थ्रू होते हैं उन्हें सिंगल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कनेक्टिविटी के माध्यम से सपोर्ट कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं HSBC के बारे में। HSBC के हेडक्वार्टर्स है इन लंदन यूनाइटेड किंगडम। HSBC के CEO का नाम है नोवेल क्विन। HSBC के फाउंडर का नाम था थॉमस सुदरलैंड और HSBC वॉज फाउंडेड ऑन 3 मार्च 1865 इन हांगकॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल,
इनमें से किस पब्लिक सेक्टर कंपनी ने जीता है स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने जीता है स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो इन द ईयर 2019 यानी कि सितंबर 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था स्वच्छता ही सेवा, और उसमें उन्होंने अर्ज किया था कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक्स हैं जो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को अर्ज किया था कि उसे हम अपने घर पर या ऑफिस पर कम से कम यूज़ करें, उसके जगह जो चीज़ कम नुकसान पहुंचाती है जैसे कि जूट बैग्स या फिर क्लॉथ बैग्स, उसे हम ज़्यादा यूज़ करें जो कि रिन्यूएबल भी है और जो भी कॉस्ट एफिशिएंट भी है। चलिए अब बात करते हैं नेवेली के बारे में। तो ये जो अवार्ड है जो पीएसयू ने जीता है, उन्होंने जो नेवेली टाउनशिप है उसे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है इनटू अ प्लास्टिक फ्री क्लीन एंड ग्रीन कैंपस, और इसीलिए उन्हें स्वच्छता ही सेवा 2019 का अवार्ड मिला है फॉर क्लीनलीनेस इन सर्विस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां सवाल, द वर्ल्ड वाटर वीक 2020 जो कि हो रहा है एट होम, वो कब से कब तक ऑब्जर्व किया जाएगा? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, यानी कि 24 से 28 अगस्त तक ऑब्जर्व किया जाएगा वर्ल्ड वाटर वीक एट होम। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज करती है हर साल सीवी विथ 500 ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें लगभग 4000 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं फ्रॉम 130 प्लस कंट्रीज। ये एनुअल फोकल पॉइंट है जहां पर ग्लोबल वाटर इश्यूज हैं जिनके बारे में चर्चा होती है और कैसे हम इन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं उन पर भी बात होती है। तो इस साल वो ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम 24 अगस्त टू 28 अगस्त, और इस साल का उनका थीम है कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, की क्या क्या हम एक्शंस ले सकते हैं हमारे पर्यावरण और पानी को बचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां सवाल, टिकटॉक के सीईओ का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, केविन मेयर। केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है। चलिए बात करते हैं, तो टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन मेयर ने क्विट कर दिया है टिकटॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहे थे, और इसीलिए यूएस यानी कि व्हाइट हाउस ने एक मेल किया था टिकटॉक को कि अगर वो उनकी यूएस ऑपरेशंस 90 दिनों में नहीं बेचेंगे तो वो टिकटॉक को बैन कर देंगे। इसी के बाद ऐसा माना जाता है कि टिकटॉक के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन मेयर ने अपना रेजिग्नेशन दिया है बिकॉज उन्होंने टिकटॉक ज्वाइन किया था ओनली इन द मंथ ऑफ मे। इसके अलावा टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर और एक एम्प्लॉय ने सेपरेटली स्यू किया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को, जब उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था कि 90 डेज में टिकटॉक अपने यूएस के ऑपरेशन सेल कर दे नहीं तो वो टिकटॉक को बैन कर देंगे। ऐसा उनका मानना है कि वो एंटी चाइना प्रमोट कर रहे हैं। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, SSC के हो, रेलवे के हो, जैप के हो, कैप के हो या फिर पारा 13.2 के हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई भी कमेंट हो, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ आप नीचे हमें बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।